हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मनाजीस मेन्यू। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रसम पाउडर, घर पर बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जिस तरह से मेरी मदर इन लॉ बनाते हैं ट्रेडिशनली। तो चलिए, यहाँ पर हमने लिए हैं 1 कप तुअर दाल और 1 कप चना दाल, 1 कप ही धनिया, साबित धनिया, और 1 कप जितना करी पत्ता, और 15 से 20 ड्राई रेड चिलीज़, और स्ट्रॉन्ग हींग इस तरह से मिलती है वो, उसका आप इसमें इस्तेमाल करें, और 1/3 कप ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना आप ज़ीरा इसमें लें। तो अब इन सारे चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। तो पैन पर सबसे पहले दालों को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको ड्राई रोस्ट करें। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। धनिया अलग और कड़ेपाक और चिलीस आप अलग से भून लें इस तरह से। तो इसको भी छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हींग को थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल में इस तरह से फ्राई करें। उसके बाद सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, अब इसको पीस लेंगे। इसका बहुत ही फाइन पाउडर हमें बनाना है। तो बस तैयार है हमारा घर पर रसम पाउडर। बहुत ही आसान है इसको बनाना, और आप फ्रिज में रखें तो बहुत ही लंबा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है। अगर आप इसमें कलर लाना चाहते हैं तो इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो आई होप कि रेसिपी, ये तरीक़ा रसम पाउडर बनाने का आपको पसंद आए और आपके काम आएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय, खुदा हाफिज़।